सुनकर आपको हैरानी होगी क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या अफगानिस्तान में जिन लग्जरियस बसेस अभी तक अवेलेबल नहीं है या फिर जिन लग्जरी सेगमेंट की बस के बारे में इस कंट्रीज के लोग सोचते भी नहीं है, उन्हीं बसेस से बांग्लादेश करेगा एशिया कप में होस्ट। हालांकि बांग्लादेश बहुत ही छोटी एक कंट्री है कंपेयरिंग टू इंडिया एंड पाकिस्तान, पर बांग्लादेश के पास जो लग्जरी सेगमेंट की बसेस है वो इंडिया और पाकिस्तान में भी अवेलेबल नहीं है। इनमें से दो बस आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगा। एक है स्कैनिया के 410 डबल डेकर मल्टी एक्सल बस और दूसरी तरफ है मैन 24.460 डबल डेकर मल्टी एक्सल बस। तो बांग्लादेश के बाहर से जो लोग ये इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि अगर ये बस सही में बांग्लादेश में अवेलेबल है तो अभी तक टीम बस या फिर BPL की टीम बस या फिर किसी भी रूप में इन बसेस को हम लोग अभी तक क्यों नहीं देखे हैं। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि बांग्लादेश की जो नेशनल स्टेडियम है उसके पास आपको छोटी छोटी यू टर्न्स मिलेगी जहाँ पर एक मल्टी एक्सल बस को कवर करना या फिर मल्टी एक्सल बस से सर्विस देना बहुत ही टफ बात होती है। इसीलिए टीम बस के रूप में डबल डेकर इन बसेस को अभी तक BCB ने कभी भी यूज नहीं किया है। तो डबल डेकर इन मल्टी एक्सल बसेस की अगर आप बात करें तो आप यू टर्न लेने जाओ या फिर कोई टर्निंग लेने जाओ तो वहाँ पर एक ट्रैफिक भी क्रिएट हो सकता है या फिर वहाँ पर बहुत सारी टाइम भी नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए मल्टी एक्सल बसेस को टीम बस के रूप में कभी यूज नहीं किया जाता है। पर लग्जरी इस बस के रिप्लेसमेंट के तौर पे BCB जो बस यूज करता है वो भी काफी ज्यादा हैंडी बस है और वो बस भी अभी तक इंडिया और पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। और ये बस है साउथ कोरिया का सबसे ज्यादा फेमस बस Hyundai Universe Express UXN मॉडल की बस, जिन बसेस में आपको मिलेगा एयर गन कनेक्टर जिसकी मदद से आप न्यूमेटिक गन का भी यूज कर सकते हैं बस के अंदर से। साउथ कोरिया में Hyundai के 4 वेरियंट्स मॉडल की बस तैयार किया जाता है जिनमें से कोई भी बस इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हालांकि इंडिया में काफी सारी वॉल्वो और स्कैनिया बसेस अवेलेबल है, पर Hyundai की इन चारों वेरिएंट्स में किसी भी वेरिएंट की बस आपको इंडिया में नहीं दिखेगा। सबसे अपडेटेड वेरिएंट जो है हाईटेक वेरिएंट और 410 HP की, वो बस भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। देखा जाए तो सिर्फ बांग्लादेश में ही इन बसेस अवेलेबल है और ज्यादातर CBU प्रोडक्ट्स की बस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि साउथ कोरिया से डायरेक्टली तैयार करके फिर बांग्लादेश में भेजा जाता है। सो बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बस हो या फिर नेशनल टीम की टीम बस हो, ज्यादातर आपको Hyundai बसेस ही देखने को मिलेगा। अगर 2022 का एशिया कप पाकिस्तान में होता तो आपको ज्यादातर चाइनीज बसेस ही देखने को मिलता, जैसे कि यूटोंग, किंगलोंग, अंकाई या फिर हाइगर बसेस ज्यादातर मौजूद होता। चाइनीज इन बसेस से साउथ कोरियन Hyundai बस बिल्ट इन क्वालिटी में ज्यादा अच्छा है और इन बसेस का प्राइस भी ज्यादा होता है। यूटोंग नोवा की बस सबसे ज्यादा प्रोबेबल होता अगर एशिया कप इस बार पाकिस्तान में होता, क्योंकि यह पाकिस्तान का सबसे लेटेस्ट सीरीज है। इंडिया की अगर हम बात करें तो ज्यादातर वोल्वो बसेस ही टीम बस के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इंडिया की हाईएस्ट सक्सेसफुल लग्जरी ब्रांड में वोल्वो ही सबसे आगे निकलता है। पर बांग्लादेश में वोल्वो, स्कैनिया, Hyundai, मैन सभी तरह की बस अवेलेबल है, पर Hyundai को ही सबसे ज्यादा माना जाता है टीम बस के रूप में। स्पीड, कम्फर्ट, लग्जरी, सेफ्टी सभी दिख से Hyundai बसेस ही सबसे आगे निकलती है बांग्लादेश में। हाईएस्ट 160 किलोमीटर पर आवर स्पीड में निकलने वाली यह बस बांग्लादेश के रोड के साथ सबसे अच्छी तरफ से एडजस्टमेंट कर चुका है। शॉक एब्जॉर्बिंग स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड मिरर, रेफ्रिजरेटर, एयर गन कनेक्टर, क्या नहीं है इन बसेस में। ये कम्प्लीटली हॉट एंड कूल बस है, यानी कि AC के साथ हीटर का भी आपको एक फैसिलिटी मिलती है इन बसेस में। बस की अगर आप वेंटिलाइजेशन सिस्टम की बात करो तो वर्ल्ड की टॉप क्लास वेंटिलाइजेशन सिस्टम अप्लाई किया जाता है Hyundai इन बसेस में। काफी सारी वर्ल्ड क्लास ब्रांडेड बसेस में आप लोग देखेंगे कि AC की जो हवा है और हीटर की जो हवा है वो एक ही जगह से निकलता है। इस वजह से कभी कभी पैसेंजर्स को डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पर इन बसेस में आपको ऐसा डिस्कम्फर्ट कभी फील नहीं होगा क्योंकि हीटर का जो टैंक है वो पैसेंजर्स की पा के नीचे है। तो हीटर से जब गर्म हवा निकलते हैं वो सीधा ऊपर चला जाता है और इसके वजह से टेम्परेचर भी काफी ज्यादा अच्छा कंट्रोल होता है इस बस में। साथ ही साथ आपको मिलती है एक सब हीटर की सहूलियत और इन बसेस में आपको रिटर्न ग्रिल की भी सहूलियत होती है। इनकेस हीटर की गर्म हवा या फिर AC की ठंडा हवा बस में ज्यादा बढ़ जाता है तो रिटर्न ग्रिल से वो हवा बाहर निकल जाता है। इससे बस का टेम्परेचर हमेशा ही कंट्रोल रहता है और यात्री को
कभी भी डिस्कम्फर्ट या फिर कभी भी कोई तकलीफ महसूस नहीं होता। इसीलिए Hyundai को बहुत ही लग्जरियस बस माना जाता है। बसेस की डैशबोर्ड यानी कि कॉकपिट पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेगा। सीट की हैंडल के पास दो स्विच आपको मिलेगा, जिसके एक स्विच से आप लेग रेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरी स्विच से आप सीट फोल्ड या फिर अनफोल्ड कर सकते हैं। वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज पे आपको Hyundai बस 41-45 सीट्स पे मिलेगा, पर बांग्लादेश में सिर्फ 28 सीट्स में यह बस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश की बस कंपनी हमेशा ही चाहता है कि पैसेंजर्स के हाईएस्ट कंफर्ट कैसे इंश्योर किया जाए। एशिया कप में 5 Hyundai बस देखने को मिलेगा उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि रिसेंट श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टीम बसेस के रूप में Hyundai बसेस को देखने को मिला है, और बांग्लादेश की या फिर BCV के जो भी अब प्रोग्राम्स है वहाँ पर Hyundai बसेस ही टीम बस के रूप में सर्विस दे रहा है, और देगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज तो साथ लेकर आती है ये बस। तो बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा प्राइड और बहुत बड़ा एडवांटेज हम बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान से भी कुछ कुछ जगह में बस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बांग्लादेश आगे निकल चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर देना, और बांग्लादेश के ट्रांसपोर्ट के हर अपडेट्स को जानने में फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। बस के बारे में इंटरेस्ट हो तो BD बस तवर इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो।